हेलो हॉरर मूवी फैंस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द अनइनवाइटेड, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। ये साउथ कोरिया में रिलीज हुई द टेल ऑफ टू सिस्टर्स की रीमेक है। ये मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट में से एक है। जब मैंने ये मूवी देखी थी, इसका एंडिंग देखकर मैं तो बड़ी ही शॉक हो गई थी। एंडिंग में पूरी कहानी बदल जाती है। मुझे यकीन है आप लोगों को भी ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम एना को देखते हैं जो मेंटल असाइलम यानी कि पागलखाने में होती है, जहां वो डॉक्टर सिल्बरलिंग को 10 महीने पहले हुए हादसे के बारे में बता रही थी। वो कहती है वो उस रात अपने बॉयफ्रेंड मैट के साथ घर से थोड़ी दूर बीच पार्टी में थी और मैट वहां उसके साथ बदतमीजी कर देता है, जिससे अपसेट होकर वो पार्टी से अपने घर की तरफ निकलती है। रास्ते में उसे 3 कचरे के बैग दिखाई देते हैं, जिसे खोलने पर उसमें एक छोटी बच्ची की लाश होती है, जो अचानक पलट कर ऐना से कहती है घर वापस मत जाना। ऐना डर के मारे वहां से अपने घर की तरफ भागती है, जहां उसे अपने घर से थोड़ी दूर बोट हाउस से बेल की आवाज़ सुनाई देती है, जो ऐना के मॉम के हाथ में बंधी थी। ऐना की मॉम काफ़ी बीमार थी और अपने आखिरी दिन बोट हाउस में बिताना चाहती थी, इसलिए उन्हें वहां पे शिफ्ट कर दिया था। ऐना जब बोट हाउस में जाती है तो उसे वहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगता। उसे वहाँ कोई बुरी आत्मा या भूत होने का एहसास होता है। तभी अचानक वहाँ पे आग लग जाती है और ऐना की मॉम की वही जलकर मौत हो जाती है। डॉक्टर सिल्परलिंग ऐना की सारी बातें नोट कर रहे थे। ऐना डॉक्टर को बताती है उसे बस इतना ही याद है। ऐना को अपनी मॉम की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिससे उसकी याददाश्त चली गई थी। डॉक्टर सेशन ख़त्म करते हैं और ऐना से कहते हैं जो तुमने शुरू किया था उसे ख़त्म करके आओ। वो ऐना को असाइलम से डिस्चार्ज कर देते हैं। ऐना के फादर उसे लेने आ चुके थे। ऐना अपना सारा सामान पैक करती है, तभी असाइलम की दूसरी पेशेंट ऐना का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि वो ऐना के घर वापस जाने से खुश नहीं थी। वो ऐना से कहती है उसके जाने के बाद कौन उसकी दिल की बात सुनेगा। और तभी असाइलम के गार्ड्स ऐना को उस पेशेंट से छुड़ा कर उस पेशेंट को वहाँ से ले जाते हैं। ऐना अपने डैड स्टीवन के साथ घर जा रही थी। उसके डैड जो कि एक राइटर है, वो ऐना को अपनी नई बुक दिखाते हैं, जिस पर ऐना और उसकी बहन का नाम देखकर ऐना बहुत खुश होती है। स्टीवन ऐना को खाने के लिए कुकीज़ देते हैं, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड रेचल ने बनाई थी। रेचल ऐना की मॉम की नर्स थी और ऐना की मॉम के मौत के बाद से रेचल ऐना के डैड के साथ रहती थी। ऐना रेचल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो रेचल ने बनाई हुई कुकी नहीं खाती। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो रेचल ऐना को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन ऐना रेचल से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम ऐना को उसी बोट हाउस में देखते हैं। तभी वहाँ उसकी सिस्टर एलेक्स आ जाती है। एलेक्स ऐना को रेचल के बारे में बताती है कि कैसे उनके मॉम के मौत के बाद उसने उनके डैड को उसके प्यार में फंसाया। एलेक्स ऐना से कहती है कि वो उससे नाराज़ है, क्योंकि ऐना ने उसकी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, जिस पर ऐना बताती है कि उसे असाइलम में कोई भी चिट्ठी नहीं मिली। इसे सुनकर एलेक्स समझ जाती है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, और वो सीधा अपने डैड के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसके डैड कोई जवाब नहीं देते और एलेक्स वहाँ से चली जाती है। जब ऐना किचन में जाती है तो उसे वहाँ चॉकबोर्ड नहीं दिखता, जिस पर ऐना की रियल मॉम उसके लिए मैसेज लिखा करती थी। रेचल ने उसे स्टोर रूम में रख दिया था। ऐना उस चॉकबोर्ड को वापस लाने स्टोर रूम में जाती है, जहाँ उसे उसकी मॉम की बेल और कुछ पुराने फोटोज़ मिलते हैं, जिसे लेकर वो अपने कमरे में जाती है। रात में ऐना बेल की आवाज़ से उठ जाती है। तभी अचानक एक डरावना हाथ ऐना के बेड पर आता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी एलेक्स वहां आती है। वो टेबल पर रखे उस बेल को देखकर ऐना से उसे फेंकने को कहती है, क्योंकि रेचल उसे किसी पेट शॉप से लाई थी और उसने उनकी मॉम के हाथ पैर उसे बांधा था, ताकि जब भी वो उनके डैड के साथ हो तो उसे उनकी मॉम के आने का पता चल जाए। अगले दिन ऐना किचन में स्टोर रूम से लाए उस चॉकबोर्ड को वापस लगा देती है। रेचल के वहाँ आते ही एलेक्स और ऐना वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स और ऐना को बोट हाउस में देखते हैं, जहां ऐना का एक्स बॉयफ्रेंड मैट ऐना के घर पर सामान डिलीवर करने आता है, क्योंकि उसकी मार्केट में शॉप थी। मैट के आते ही एलेक्स दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। एलेक्स के जाने के बाद मैट हादसे वाली रात के लिए ऐना से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने उस रात सब देखा था,
लेकिन तभी वहाँ रेचल आ जाती है और मैट के कुछ बताने से पहले ही सामान लेकर मैट को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जब शाम को सब लिविंग रूम में होते हैं, तब रेचल स्टीवन की बुक लॉन्च पार्टी में बहुत सारे लोगों को बिना किसी को बताए इनवाइट कर लेती है। एना को बुरा लगता है कि रेचल कैसे खुद कोई डिसीजन ले सकती है, जबकि वो उनकी फैमिली मेंबर भी नहीं है, और वो उठकर बोट हाउस चली जाती है। वह बहुत अंधेरा था और अचानक ही उसकी मॉम का भूत ज़मीन से उठकर एना की तरफ आता है। उसकी मॉम बहुत ही डरावनी लग रही थी। एना डर के मारे बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिसे सुनकर एलेक्स वहां आती है और रेचल भी घर से बाहर आती है, और उसे देखकर लग रहा था कि वो एना से बहुत ही नाराज़ है। सीन वही कट हो जाता है और अगले दिन एना और एलेक्स बाथरूम में बैठकर बात कर रहे थे ताकि उन्हें कोई सुन ना पाए। एलेक्स का कहना था कि उसे लगता है कि उनकी मॉम को रेचल ने ही मारा है, उसी ने जनरेटर रूम का पेट्रोल लीक किया होगा और मौका देकर आग लगा दी। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी रेचल बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करती है और उनसे कहती है कि वो मार्केट जा रही है और उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। एलेक्स सिर दर्द का बहाना बनाकर वहीं रुक जाती है, जिसके कारण एना को रेचल के साथ जाना पड़ता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं, जहां एना रेचल के गले में एक मोतियों का नेकलेस नोटिस करती है और उसके बारे में उससे पूछ लेती है, जिस पर रेचल कहती है कि वो नेकलेस उसे उसके एक पेशेंट ने गिफ्ट किया था, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स की गंदगी वगैरह साफ करती थी। वो एना से अपने दिल की बातें शेयर करती है कि उसके साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, फिर भी वो बिना किसी कंप्लेंट उनका सारा काम करती थी। तभी एना को रेस्टोरेंट में फिर वही लड़की दिखाई देती है जो मूवी के स्टार्टिंग में कचरे के ढेर में उसे दिखाई दी थी। उसके साथ और दो लड़के होते हैं और वो तीनों एना की ही तरफ देख रहे थे। देखते ही देखते वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब वो शॉपिंग करने मार्केट जाते हैं, जहां एना की मुलाकात मैट से होती है। एना मैट से कहती है कि वो उस रात के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, जिस पर मैट कहता है कि वो सारी बात वहां नहीं बता सकता और वो एना को रात 11 बजे लेक के पास आने को कहता है। रेचल उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत नाराज होती है और एना को वहां से वापस घर ले आती है। एना रात के 11 बजते ही एलेक्स के साथ लेक जाती है, पर काफ़ी इंतज़ार के बाद भी मैट वहां नहीं आता, तो वो दोनों निराश होकर घर वापस आते हैं। सोते वक्त एना को एक डरावना सपना आता है, जिसमें वही लड़की अपने दोनों भाइयों के साथ उसे दिखती है। तभी किसी आवाज़ से एना की नींद खुलती है और खिड़की से मैट अंदर आता है, जो पूरी तरह से भीगा था। एना के पूछने पर वो बताता है कि आते वक्त वो गिर गया था और उसके पीठ में भी चोट आई है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं और धीरे धीरे मैट किसी शैतान में बदलता जा रहा था। वो कहता है रेचल ने उसे एना को मिलने से मना किया था, पर उसने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए ये सब हो रहा है। एना ये सब देखकर रूम से बाहर आ जाती है और देखती है कि सुबह हो चुकी है। फिर हमें लेक दिखाई जाती है, जहाँ बहुत सारी भीड़ जमा है और पुलिस भी लेक में किसी को ढूंढ रही है। एना एलेक्स के साथ बाहर जाती है और देखती है कि पुलिस लेक से मैट की लाश निकाल रही है, यानी कि मैट भी अब मर चुका है। टाउन के लोकल शेरिफ एना के पास आते हैं और मैट की मौत पर सिंपति जताते हुए बोलते हैं कि एना को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उनसे बोल सकती है। शेरिफ के जाने के बाद एना उसके डैड को बताती है कि मार्केट में मैट उसके हादसे वाली रात के बारे में बताने वाला था और रेचल ने ही उसे मारा है ताकि वो उसकी पोल ना खोल दे। इस पर एना के डैड कहते हैं कि वो बेकार की बातें करना छोड़ दे और वहाँ से चले जाते हैं। एना रोते हुए बाथरूम में आती है और एलेक्स को बताती है कि मैट रात को उससे मिलने आया था। वो उसका सपना या भ्रम नहीं था, क्योंकि एना के हाथों पर मैट के पकड़ने के निशान अभी तक थे। अब एलेक्स को भी लगने लगा था कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, और वो कहती है अगर रेचल ने उनके मॉम और मैट को मारा है तो अभी उनके जान को भी खतरा है। वो रेचल की पुरानी ज़िंदगी के बारे में पता लगाने का सोचते हैं और वो उन सब जगह पर कॉल करके पूछताछ करते हैं जहां रेचल काम किया करती थी या रहा करती थी, और जो जानकारी सामने आती है वो बिल्कुल चौंका देने वाली थी। अगेन सीन कट होता है और हम रेचल को देखते हैं जो शाम की पार्टी की सारी तैयारी कर चुकी थी और अब अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी एना उसके कमरे में आती है और उसे उसका असली नाम पूछती है। एना उसको बताती है कि उसने नर्स एसोसिएशन में रेचल समर्स के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन इस नाम के कोई भी नर्स वहाँ रजिस्टर नहीं है। एना उसे ये भी कहती है कि वो सारी बातें अपने डैड को बता देगी।
जिस पर रेचल कहती है कि उसके डैड को इस बारे में सब पता है और वो एना से कहती है कि उसे फिर से मेंटल असाइलम में भेजने की ज़रूरत है और वो एना को अपने रूम से निकाल देती है। अब पार्टी शुरू हो चुकी थी। रेचल सभी मेहमानों को अटेंड कर रही थी और वो अकेले ही सारा काम कर रही थी। एना एलेक्स को कहती है कि वो सुबह होते ही पुलिस को सब बता देगी। अपने डैड के कहने पर एना किचन में रेचल की मदद करने जाती है, जहाँ रेचल मीट पका रही थी। वो एना से डस्टबिन साफ करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। एना को टेबल के नीचे से कुछ आवाज़ आती है तो वो नीचे झुकते ही अंदर से वही लड़की बाहर आती है, जिससे डर कर एना पीछे वाली टेबल से टकरा जाती है और रेचल ने बनाया हुआ मीट जमीन पर गिर जाता है। जिसे देखकर रेचल एना पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन एलेक्स उसका बचाव करने वहाँ आ जाती है। इस फैमिली ड्रामा को देखकर सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। एना के डैड गुस्सा होकर अकेले रीडिंग रूम में बैठे थे, तभी एना वहाँ आ जाती है और अपने डैड को कहती है जो भी आज पार्टी में हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, और रेचल की असलियत भी उन्हें बता देती है। जिस पर एना के डैड कहते हैं उन्हें रेचल के बारे में सब पता है और वो रेचल से इसी महीने शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर एना फिर से रेचल के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जिससे कि उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि उसे फिर से मेंटल असाइलम में भेजने की ज़रूरत है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो सब मैट के फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ एना को भीड़ के बीच फिर से वही लड़की दिखाई देती है। एना उसका पीछा करती है। उस लड़की के साथ उसके भाई भी आ जाते हैं और वह सब एक कब्र के पास आकर गायब हो जाते हैं। एना एक टूटे हुए कब्र में आकर गिरती है और उठने पर पास ही में लगी तीन कब्रें देखती है, जिस पर डेविड राइट, सैमुअल राइट और आयरिस राइट का नाम होता है। एना घर आकर एलेक्स के साथ राइट चिल्ड्रन के मौत के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि अप्रैल 1996 में तीन बच्चों का बुरी तरीके से मर्डर कर दिया था उन्हीं की केयरटेकर 19 साल की लड़की मिल्ड्रेड कैंप ने। और उन्हें यह भी पता चलता है कि मिल्ड्रेड राइट चिल्ड्रन के पिता से प्यार करती थी और उनकी माँ की मौत भी एक हादसे में हुई थी। इंटरनेट पे राइट फैमिली का फोटो मिलता है, जिसमें एक लेडी ने वही नेकलेस पहना था जो रेचल पहना करती थी। वो एकमात्र सबूत था जिससे कि रेचल को किलर साबित कर सकते थे, और उसे पाने के लिए एलेक्स और एना रात होने पर रेचल के रूम में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूम लॉक था इसलिए एलेक्स बाहर की खिड़की से रूम में घुसने की कोशिश करती है और एना रेचल के पर्स से रूम की चाबी चुरा कर ले आती है। लेकिन वापस आने पर एना को दरवाज़ा खुला मिलता है और मोतियों का नेकलेस भी वहाँ नहीं था। तभी रेचल कमरे में आती है और एना को अपने कमरे की छानबीन करते हुए देख लेती है। एना रेचल को नेकलेस दिखाकर कहती है कि वो उसे वो दे देगी, लेकिन वो अपने दूसरे हाथ में कुछ छुपा रही थी। जब एना रेचल के हाथों से वो नेकलेस लेने जाती है, तभी रेचल अपने दूसरे हाथ में छुपाया हुआ इंजेक्शन उसे लगाने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसके हाथ पकड़ लेती है और पास ही में पड़ी परफ्यूम की बॉटल से उसके सिर पर हमला कर देती है, जिससे रेचल घायल होकर नीचे गिर जाती है। अब एना भागकर एलेक्स के रूम में जाती है। वहाँ एलेक्स ज़मीन पर पड़ी थी। वो बताती है कि रेचल ने उसे ड्रग इंजेक्ट किया है और अब एना को अकेले ही पुलिस स्टेशन जाना होगा। रेचल एना को बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर एना किसी तरह से बचकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है। वो वहाँ शेरिफ को बताती है कि रेचल ही मिल्ड्रेड कैंप है, जिसने राइट फैमिली के तीनों बच्चों का खून किया था, और रेचल ने ही मैट और उसकी मॉम को भी मारा है, और सबूत के तौर पर उन्हें नेकलेस और इंटरनेट वाली फ़ोटो दिखाती है। शेरिफ को देखकर लग रहा था कि उन्हें एना के बातों पर यकीन नहीं था। वो एना को वहीं रुकने के लिए कहते हैं और खुद उसके घर जाते हैं। एना वहीं सो जाती है। आंखें खुलने पर उसे उसकी मॉम सामने चेयर पर बैठी दिखाई देती है और वो अचानक रेचल में बदल जाती है, जिसके साथ शेरिफ भी थे। वो एना को पकड़ते हैं और रेचल उसे इंजेक्शन देती है, जिसके वजह से एना बेहोश हो जाती है। रेचल एना को कंधे पर उठाकर वापस उसके रूम में लाती है और उसे बेड पर पटक देती है। एना पास में रखे हुए चाकू तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन नशे में होने के कारण ऐसा कर नहीं पाती। रेचल एना के कपड़े चेंज करती है और उसे कहती है कि वो चाहकर भी मां नहीं बन सकती, इसलिए वो एना में ही अपनी बेटी को देखती है। जब एना पूरी तरह होश में आती है तो देखती है कमरे के बाहर खून के निशान है। ऐसा लग रहा था मानो किसी को घसीटकर कहीं ले जाया गया है। एना उन्हीं निशानों का पीछा करते करते घर के बाहर कूड़े के डब्बे के पास आती है। उसे लगता है शायद एलेक्स रेचल के हाथों मारी गई है।
लेकिन उस डब्बे का ढक्कन खोलने पर एना देखती है वहाँ रेचल खून में लथपथ मरी पड़ी है और पास में एलेक्स खून में सना हुआ चाकू लिए खड़ी है। एलेक्स कहती है रेचल को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी एना के डैड वहाँ आते हैं। वो एना के कपड़ों में लगा खून देखकर सवाल करते हैं। तभी एना बताती है उनके जाने के बाद रेचल ने एना को ड्रग दिया और एलेक्स को मारने की कोशिश की, इसीलिए एलेक्स ने खुद को बचाने के लिए रेचल को मार दिया। एलेक्स का नाम सुनकर एना के डैड चौंक जाते हैं। वो एना से कहते हैं एलेक्स ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो उस आग वाले हादसे में जलकर मर चुकी है। तभी एलेक्स कहती है कि उसे सिर्फ वही देख सकती है। एना जब पास में खड़ी एलेक्स की तरफ देखती है तो वहाँ अब कोई नहीं था और एलेक्स के हाथ में पकड़ा हुआ चाकू अब एना के हाथ में था, जिसका मतलब एना ने ही रेचल का खून किया है। वो वहाँ से भागकर अपने बोट हाउस में जाती है। अब यहाँ पे खुलता है मूवी का असली राज और इस ट्विस्ट से मुझे पता है आप लोगों को भी शौक लगा होगा। तो अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं और एक्चुअली उस रात में क्या हुआ था ये देखते हैं। एना मैट से नाराज़ होकर अपने घर जाती है। वहाँ वो रेचल और अपने डैड को एक साथ देख लेती है। अपने पिता को किसी और के साथ देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो लैंप लेकर अपने बोट हाउस से पेट्रोल लाने जाती है ताकि वो रेचल को घर के साथ जला दे। जल्दी जल्दी में एना पेट्रोल टैंक का टैप ठीक से बंद नहीं करती, जिससे पेट्रोल लीक हो रहा था। तभी एलेक्स वहाँ आती है और एना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलेक्स को वही बंद कर देती है, जिससे कैंडल नीचे गिरकर फ्यूल टैंक से लीक हुए पेट्रोल से वहाँ आग लग जाती है। एलेक्स और उसकी मॉम अंदर ही थे और उस आग में पूरा बोट हाउस जल जाता है और जिसमें वो दोनों भी मारे जाते हैं। इस सदमे से एना उभर नहीं पाती और उसे पागलखाने भेज दिया जाता है। 10 महीने बाद डॉक्टर को लगता है एना ठीक हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे हर वक्त एलेक्स दिखाई देती थी, जबकि वो पूरे टाइम अकेली थी। मूवी में दिखाया जाता है जब जब कोई और व्यक्ति आता है तो एलेक्स वहाँ से चली जाती है। जैसे कि मैट जब एना से मिलने आता है तो एलेक्स दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और जब एलेक्स और एना बाथरूम में होते हैं और रेचल आवाज़ लगाती है, तब भी एना वहाँ अकेली थी। इतना ही नहीं, एलेक्स ने ही मैट को मारा है क्योंकि वो उस हादसे वाली रात के बारे में सब जानता था। एना को लगता था एलेक्स जिंदा है और उसी के साथ है, जबकि वो अकेले ही खुद से बातें किया करती थी। एना ने इंटरनेट पर राइट फैमिली और उनके बच्चों के मौत के बारे में पढ़ा था और उसे अपनी ही स्टोरी समझ ली थी और इसीलिए उसे लगता था कि रेचल ही मिलरेट कैंप है। अब स्टोरी का एक एक प्लॉट रिवील होता है। असल में रेचल का पुराना बॉयफ्रेंड उसे मारा करता था और उससे बचकर वो यहाँ नौकरी के लिए आई थी, इसलिए उसने अपना नाम बदल दिया था और इसके बारे में वो एना के डैड को भी बता चुकी थी। एना अक्सर अग्रेसिव हुआ करती, इसी के चलते रेचल जो कि एक नर्स थी उसे इंजेक्शन देकर शांत किया करती थी। रेचल ने एना को हमेशा अपनी बेटी माना था, लेकिन उसे क्या पता था वही उसकी मौत की कारण बन जाएगी। नेक्स्ट सीन में एना को पुलिस ले जाती है, जहाँ से उसे फिर से वही मेंटल असाइलम में शिफ्ट किया जाता है। जब वो डॉक्टर से मिलती है तो उन्हें कहती है, मैंने वही किया जो आपने कहा, मैंने उसे ख़त्म कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं। असाइलम में एना को वही पेशेंट दिखती है जो मूवी के स्टार्टिंग में उसे रोक रही थी। उसके हाथ में वही नेकलेस था जो राइट फैमिली में हुआ करता था। वो एना को वापस आने पर वेलकम करती है। दरअसल वो पेशेंट और कोई नहीं, मिलरेट कैम थी, जिसे एना रेचल समझा करती थी। और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। तो है ना ये एक बढ़िया मूवी, इसका ट्विस्ट तो माइंड ब्लोइंग है। एक्चुअली इस मूवी की एंडिंग कुछ लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है और कुछ के लिए डिफरेंट। मेरे हिसाब से इसकी दो एंडिंग हो सकती है। पहली, जिसमें एना सच में मेंटली इल थी और उसी पागलपन में उसने रेचल को मार दिया। और दूसरी एंडिंग जो मुझे पर्सनली लगती है वो ये कि एना के साथ मेंटल इश्यूज तो थे, बट उसने ये सब प्लानिंग के साथ किया होगा। और इस थियोरी का रीज़न है, जब एना असाइलम में वापस आकर डॉक्टर से कहती है मैंने उसे मार दिया, वो उस बात का रिप्लाई हो सकता है जो डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज के टाइम कही थी कि तुम वो सब ख़त्म करके आओ जो तुमने शुरू किया है। तो उसके लिए रेचल ही उसके फैमिली के स्प्लिट होने की वजह थी और उसको मारने की कोशिश में ही उसकी मॉम और एलेक्स मरे थे। सो इस बार उसने अपना बदला पूरा किया, ये टाइम उसने रेचल को मार दिया। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इनमें से कौन सी थियोरी ज़्यादा सही लगी। आपके पास कोई और थियोरी हो तो ज़रूर उसे भी कमेंट करके बताना। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना,
ऐसे ही माइंड ब्लोइंग स्टोरीज के बारे में जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो कहती हूँ आपको अलविदा विद वादा कि ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।